मैं शराब पीता रहा, वो आंसू पीती रही। मैं खुल के जीता रहा, वो घुट घुट के जीती रही। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जो तकरीबन बहुत सी पत्नियों की कहानी है। मैं आज भी रोज के जैसे देर से शराब पीकर घर आया और दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर तक दरवाजा नहीं खुला, शायद बीवी थक हार के सो गई होगी। लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद आंखें मलते हुए कविता ने दरवाजा खोला और बोली, आ गए आप? मैंने बिना सोचे गुस्से में उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और बोला, दिखता नहीं एक घंटे से दरवाजा पीट रहा हूं और तुम आराम से सोई हुई हो। कविता की सारी नींद उड़ गई और वो गाल हाथ पर रखकर अंदर को चुपचाप चली गई। मैं भी सीधा बेडरूम में जाकर बेसुध बेड पर गिर गया, नशे की हालत में। शायद उसी ने मेरे जूते निकालकर मुझ पे कंबल उड़ाया था। सुबह चाय पी और ऑफिस निकल गया, लेकिन कविता के चेहरे पर मुझे रात के थप्पड़ की कोई शिकन या कोई शिकायत शिकवा नजर नहीं आया। उसने जाते जाते पूछा, सुनो आज भी लेट आओगे क्या? मैंने कहा, इससे तुम्हें क्या मतलब, अपना काम करो और अपने काम से काम रखो। पत्नी चुप हो गई और मैं निकल गया। शाम को आते आते एक अधिया शराब का फिर ले आया। आज घर वक्त से आ गया। कविता ने भी वक्त पे दरवाजा खोल दिया। गुस्सा थोड़ा कम था। फिर मैंने गिलास लेकर पीने बैठ गया और कविता मेरे लिए चखना, पानी, सोडा लाती रही, मेरी सेवा करती रही। बात हम में बहुत कम और सिर्फ मतलब की होती थी। मैंने खाना खाया और दोनों सोने चले गए। अभी एक ही साल हुआ है शादी को और हालात बहुत खराब थे, सिर्फ मेरे और मेरे शराब की आदत की वजह से। रात को कविता ने मुझ पर बाजू रखकर थोड़ी मस्ती करने की कोशिश की कि वो चाह रही थी कि मैं उसके साथ प्यार करूं, लेकिन मुझे नशा चढ़ा था। मैंने उसका हाथ एक और पटक दिया और सो गया। फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। मैं बेफिक्र रहा, कविता रोती रही, लेकिन कविता को फिर भी मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। मेरी भी मजे से कट रही थी, ना कोई बोलने वाला था ना कोई सुनने वाला, बस अपनी मर्जी किए जा रहा था। एक सुबह मैं उठा तो देखा कि कविता बिस्तर पर ही लेटी हुई है। मुझे सुबह सुबह ही गुस्सा आ गया। मैंने चिल्लाकर कहा, उठना नहीं है क्या? दिखता नहीं मैंने ऑफिस भी जाना है और तू यहां लेटी है, यहां महारानी की तरह पड़ी है। उसका कोई जवाब नहीं आया। मैंने थोड़ा हिलाया झटके के साथ तो आंखें खोलते हुए बोली, सुनो मुझे बुखार हो रहा है, सारा शरीर दर्द कर रहा है और ऊपर भी नहीं उठा जा रहा, मुझसे हिला नहीं जा रहा है। मैंने माथे पर हाथ रखा तो देखा कि उसका माथा गर्म था, तप रहा था। मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बड़बड़ाते हुए तैयार होकर बिना उसकी दवाई बूटी के, बिना उसको पूछे ऑफिस के लिए निकल गया, उसे ऐसे ही छोड़कर। वो बेचारी भी पड़ी रही। फिर दिन में उसका फोन आया, बोली, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, प्लीज घर आ जाओ और दवाई भी ला देना या मुझे अस्पताल ले जाओ। मैंने कहा, बुखार ही तो हुआ है, मर तो नहीं रही है, घर में पैरासिटामोल की टैबलेट पड़ी है, खा लो, शाम को आऊंगा तब देखूंगा, दवाई भी ला दूंगा, अभी काम है बहुत ऑफिस में, एक तुम ही नहीं हो मेरे पास। उसने कहा, ठीक है, और फोन काट दिया। मैं भी मस्ती में बेफिक्र होकर काम पे लग गया। शाम को मेरे साथ वाले बंदे का जन्मदिन था तो हम एक होटल में जाकर बार में बैठ गए और फुल पी, फुल नशा किया और उसके बाद नशा भी हो गया। दिमाग में जरा भी ख्याल नहीं था कि पत्नी बीमार भी है। इतनी पी कि वहीं होटल में रूम लेकर रुक गए। सुबह जब नशा उतरा, आंख खुली तो घर की ओर निकला, आकर दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने नहीं खोला। मुझे गुस्सा आ गया, सोचा आज तो ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगी। मैंने आवाज भी दी लेकिन कोई नहीं सुना। मैं कुछ देर खड़ा रहा, सोचता रहा और दरवाजा पीटता रहा। मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर था। मैंने जोर से दो चार धक्के मुक्के मारकर दरवाजे की कुंडी तोड़ दी और गुस्से में अंदर गया तो कविता कंबल लेकर
बेड पर पड़ी हुई थी। मैंने जाते ही बैग उस पर फेंक कर मारा और झटका दिया। सुनता नहीं है क्या, कान फूट गए हैं, लेकिन वो हिली तक नहीं। मैंने एक दो बार और हिलाया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने उसको कंधे से पकड़कर पलटा तो वो बेजान थी। मैं सक पका गया, हैरान था, मैं डर गया। मैंने उसकी सांसें चेक की, नब्ज चेक की, तो सब कुछ बंद था। कविता जा चुकी थी। मैं एकदम से नीचे बैठ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब सब खत्म हो चुका था। अब कविता को किसी की जरूरत नहीं थी, पर मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरी नजर उसके पास पड़े एक कागज पर गई जिसमें लिखा था, माफ करना राजीव, मुझे मेरी सांसें थमती नजर आ रही हैं। अपना ख्याल रखना और हो सके तो शराब छोड़ देना। आपको आधे सफर में छोड़ के जाने के लिए मुझे माफ कर देना। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे अपनी हर करतूत नजर आ रही थी। मेरा अक्स मेरे सामने था। खुद को कोसने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं, मेरा सब कुछ जा चुका था, सब खत्म हो गया था। मैं सोच सोच कर अब खुद आंसू बहा रहा था कि मैंने कविता को कभी समझा ही नहीं, उसकी जरूरत, उसकी चाहत कुछ भी नहीं देखा, कभी उसको उसका हक, उसका प्यार नहीं दिया। मैं हद से ज्यादा पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से वो भी क्या सकता था। मैंने समझने में देर कर दी थी। हालांकि उसके बाद मैं बदल चुका था, लेकिन अपना सब कुछ खोने के बाद आज समझ आया कि मैं शराब पीता रहा, वो आंसू पीती रही। मैं बेफिक्र जीता रहा, वो घुट घुट के जीती रही। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक शेयर भी जरूर करें, ताकि अगर किसी भी औरत के साथ ऐसा कुछ हो रहा हो तो वक्त रहते वो इस कहानी से कुछ तो सीख ले ले। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी कहानी, तो इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसी लगी।